नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की पहली व सबसे बड़ी खबर भारत द्वारा बनाए गए अटैक हेलीकॉप्टर LCH को लेकर आ रही है। खबरों के मुताबिक इस हेलीकॉप्टर ने एयर टू एयर मिसाइल लॉन्चिंग ट्रायल पूरे कर लिए हैं। अभी हाल ही में हुए ट्रायल टेस्ट में इस हेलीकॉप्टर ने उड़ीसा के चांदीपुर रेंज में एक मूवेबल फ्लाइंग टारगेट को नष्ट कर अपनी काबिलियत का परिचय दिया। वह एयर टू सरफेस मिसाइल के ट्रायल ये पिछले साल ही पूरे कर चुका है। गौरतलब हो तो LCH यानी लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर भारत द्वारा बनाया गया अटैक हेलीकॉप्टर है, जो सियाचिन के ग्लेशियर की ऊंचाई तक उड़ रखने की काबिलियत रखता है। इस प्रकार के हेलीकॉप्टर की जरूरत भारत को 1998 में हुए कारगिल युद्ध के दौरान हुई थी। उस समय तक भारतीय सेना के पास ऐसा कोई हेलीकॉप्टर नहीं था जो हिमालय की ऊंचाइयों तक उड़ सके। तब भारत सरकार ने इस तरह के हेलीकॉप्टर के निर्माण की मंजूरी दी थी। वह 2010 तक ये बनकर तैयार हो गया था। अभी इसके ट्रायल वर्जन चल रहे हैं, जो कि अलग अलग प्रोटोटाइप पर हैं। अब देखना ये होगा कि सेना इसको अपने बेड़े में कब तक शामिल करती है। दूसरी खबर की शुरुआत के पहले, आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, वो बेल आइकन को प्रेस करें। अगली खबर इसरो से है। इसरो 24 जनवरी को अपने सबसे भरोसेमंद सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV के माध्यम से माइक्रोसेट आर व कलामसेट पेलोड श्रीहरिकोटा से छोड़ने वाला है। इसरो इसके लिए PSLV C-44 रॉकेट का यूज करेगा। इसमें माइक्रोसेट आर एक इमेजिंग सैटेलाइट है जो कि पिक्चर कैप्चरिंग का काम करेगा, वो कलामसेट एक पेलोड है। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, वो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। वो अगर आप आने वाले टाइम में इस तरह की वीडियो और देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। और हाँ दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरह के वीडियो लाता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।